गोरखपुर के तारामंडल स्थित सुप्रसिद्ध नक्षत्रशाला का लुफ्त उठाने के लिए अब लोगों को लाइन में लगकर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की तरफ से 1 जून से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा आरंभ कर दी गई है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करने के दौरान वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि लोगों को नक्षत्रशाला का लुफ्त उठाने के लिए अब लाइन में लगकर टिकट नहीं लेना पड़ेगा। लोगों की इस परेशानियों को दूर करने के लिए अब यह सुविधा ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में बताया, ही खुलना है पहले और ये जो है वेबसाइट का जो आपको डेट उसमें क्लिक करना पड़ेगा, डेट भरना पड़ेगा और शो का टाइम। आज दर्शकों की सुविधा के लिए हम ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो कि 1 जून से दर्शकों के लिए जो है उपलब्ध होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कोई भी दर्शक जो शो देखने आता है नक्षत्रशाला में, वो अपने घर पर बैठ करके अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से या अन्य उपकरणों से, अन्य संसाधनों से जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो, उससे वो अपना घर बैठे टिकट बुक कर सकता है। और इस टिकट बुक को बुक करने के लिए गूगल क्रोम पर या अन्य किसी जो है क्रोम पर जा करके उसको इस विभाग की वेबसाइट upcstplanetarium.in उसको भरेंगे। भरने के बाद उसका विवरण जो है उसमें आता चला जाएगा, क्रम से उन विवरण को क्रम से भरते चले जाएंगे। और इसके बाद जब पूरा विवरण भर देंगे तो पेमेंट मोड का जो है ऑप्शन खुलेगा। पे नाउ करके एक बटन है, ऑप्शन बटन, उस पर जाएगा। उसमें वो अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या किसी अन्य जो है साधन जो भी उसके पास उपलब्ध है साधन, उससे उससे जो है वो उसकी फीस जो 2500 रुपये फीस है, टिकट की जो दर है, वो उसमें पे कर सकता है। और वो ऑनलाइन पे हो जाएगा। ऑनलाइन पे होने के बाद जब पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो उसको टिकट नंबर मिल जाएगा दर्शक को। वो टिकट नंबर की सूचना उसके मोबाइल पर, जो मोबाइल नंबर उसने उस विवरण में भरा है उस पर आ जाएगा। उस नंबर को लाएंगे और यहाँ हमारे टिकट काउंटर पर उसको बताएंगे कि ये हमारा टिकट नंबर है और अपना नाम बताएंगे। हमारा टिकट बाबू उसको टिकट प्रिंट करके हाथों यहाँ दे देगा। और पेमेंट में कोई भी माध्यम वो प्रयोग कर सकता है। ये पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, केवल नाम बताना है, अपना टिकट नंबर बताना है।